नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि यहाँ पे जो मार्केट का अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो पॉजिटिव है और मार्केट के पॉजिटिव जोन में रहने की संभावना है, तो मार्केट ने उसको आज रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने उसको फॉलो किया और मार्केट ग्रीन में ओपन हुई। एक बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई, ये कोशिश FIIs के द्वारा कैश के अंदर सेलिंग के द्वारा की गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पे DIIs भी कैश सेगमेंट में एक्टिव थे और वो मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ले गए। तो यहाँ पे कैश के अंदर आप देख सकते हैं ये बड़े प्लेयर्स के अंदर DIIs बायर्स थे और FIIs सेलर्स थे और यहाँ पे हमारा जो कैश का मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो इजीली कैश की सहायता से मार्केट को इस समय सपोर्ट किया जा रहा है। D2C रेशियो ये सजेस्ट कर रही है कि डेरिवेटिव्स जो है मार्केट को आज कंट्रोल कर रहा था, वहां पे ये इंट्राडे पोजीशंस थी, इन पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के मनी फ्लो की बात करें तो वो पॉजिटिव था। सरप्राइजिंगली फ्यूचर्स का मनी फ्लो स्लाइटली नेगेटिव था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया, कोई खास एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिली। थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटी देखने को मिली उसके बेसिस पे EOD डेटा सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स की जो फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशंस है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। केवल इस समय एक ही लॉन्ग पोजीशन है जो कि इस समय प्रॉफिट में है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बनी हुई फ्यूचर इंडेक्स के अंदर। शायद बड़े प्लेयर्स किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो इवेंट है वो शायद ये हो सकता है कि इलेक्शंस को प्रीपोन किया जा सकता है, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को प्रीपोन किया जा सकता है। तो ये मेरा जो है व्यक्तिगत मत है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन नहीं बन रही, ये अपने आप में थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है। तो नॉर्मली फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस बना ली जाती हैं एक्सपायरी के शुरुआत में, लेकिन इस समय बड़े प्लेयर्स की कोई पोजीशन नहीं है, तो शायद वो या तो किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इंतज़ार में हैं वो लोग, जिसकी वजह से वो अभी यहाँ पे पोजीशंस नहीं बना रहे। तो केवल एक ही लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। फ्यूचर्स के अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ भी कोई ज़्यादा एक्टिविटी हमें आज देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करिए और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सरफेस मनी फ्लो है वहाँ पे कैश का मनी फ्लो जो था वो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो जो है वो न्यूट्रल है। तो सरफेस मनी फ्लो इस समय स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। FIIs की जो एक्टिविटी है कैश के अंदर सेलिंग की गई, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं, तो FIIs का ओपिनियन इस समय जो है मार्केट के प्रति न्यूट्रल है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट के द्वारा आपके साथ शेयर कर दिया है और मार्केट के अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की यहाँ पे संभावना जो है वो हमें दिख रही है। दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल जो पूछा जाता है कि हम मार्केट का एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे पता लगाएं। तो पहले हम एक स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन मार्केट उसको फॉलो नहीं करती थी। लेकिन मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि नॉर्मली अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहें तो यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो होता है आप पिछले 7 दिन का देख सकते हैं और वहाँ पर जो भी मेजॉरिटी वहाँ पर हमें दिखाई दे तो बेसिकली वो एक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम मान सकते हैं। तो हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि जो मेजॉरिटी होती है उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे काम करती है और यहाँ पे जो रिवर्सल होता है वहाँ पे हमें संकेत मिल जाता है, वो या तो नॉर्मली किसी एल्गो पॉइंट के नज़दीक होता है,
तो एल्गो पॉइंट का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो फिलहाल अगर आप पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का अंडरग्राउंड मनी फ्लो देखेंगे तो वहां पे मार्केट जो है उसने जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो को, यहाँ पे मैं 7 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने एक दिन उसको फॉलो नहीं किया, एक दिन ओपनिंग पे फॉलो किया लेकिन क्लोजिंग रेड में हुई, तो 7 में से जो है 5 दिन मार्केट ने उसको फॉलो किया। 5 मतलब 5.5 दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन ओपनिंग पे फॉलो किया था, तो 7 में से 5.5 दिन मार्केट ने फॉलो किया। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही हमें इस समय दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट है, मार्केट जो है वो सुप्रीम है, मार्केट कभी भी अपना ओपिनियन चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे इस डेटा के बेसिस पे आप किसी भी तरह के कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किस तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।